लाहौल स्पीति के जहालमा गांव में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उद्यान एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम राज्य सरकार ने लोगों की शिकायतों का उनके घर द्वार पर समाधान करने और जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया है। इस कार्यक्रम में पंचायतों के विभागों से संबंधित 41 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर शिकायतों को मौके पर निपटारा किया गया और कुछ शिकायतों को निर्धारित समय के अंदर ही निपटारे के निर्देश दिए गए। किया जा रहा है, ज्यादातर जो शिकायतें हैं उसका निवारण हमने कोशिश की है कि विभागों के माध्यम से उसका कोई न कोई हल निकले। बाकी मैं सभी विभागों के अधिकारियों से और कर्मचारियों से भी निवेदन करूंगा कि जिन जिन विषयों को यहाँ पर हमारे लोगों ने रखा है, पंचायतों के माध्यम से रखा है, उसके ऊपर जो है वो तुरंत कार्रवाई करने का जो है कोशिश करेंगे और जो जिनमें कहीं धन की आवश्यकता है उसके लिए भी जो नया बजट आएगा हमारा उसमें उन जो नए स्कीम है उनको भी उसमें लिया जाए, ताकि आने वाले समय में हम इन समस्याओं का जो है बेहतरीन तरीके से समाधान कर सके। 16,000 से ज्यादा लोगों के मकान आंशिक रूप से जो है क्षतिग्रस्त हुए और हजारों बीघे जमीन, चाहे वो कृषि है चाहे बागवानी है, वो भी इस बरसात में बह गए और साथ में सरकारी संपत्ति का भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इन सबके बावजूद जो है हिमाचल की सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद 4500 करोड़ रुपए इस राहत के कार्यों में लगाने के लिए यहां पर बजट का। इसी के साथ